दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सेकेंड हैंड बाइक। अगर आप एक सेकेंड हैंड बाइक के रूप में किसी चीज़ बाइक लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आपको सामने लेके आया हूँ एक और एक सेकेंड बाइक, जिसको आप एक बाइक के रूप में परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, बाइक की टोटली जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने बाइक के सिनेमैटिक शॉट क्रिएट किए हैं, आप वो सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कीजिए, फिर आगे हम टोटली उस बाइक का अंडर रिव्यू करेंगे। उससे पहले आप बाइक के जो मैंने सिनेमैटिक शॉट शूट किए हैं वो देखिए, फिर टोटली अंडर रिव्यू करेंगे कौन सी बाइक है, क्या रजिस्ट्रेशन है, कहाँ का मॉडल, टोटली अंडर रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर आगे उसका रिव्यू करते हैं। क्या है प्राइस, क्या है किलोमीटर, कहाँ का रजिस्ट्रेशन, किसके लिए ये बाइक बेस्ट रहेगी, तो करते हैं आज का अंडर रिव्यू। तो दोस्तों, बाइक के सिनेमैटिक शॉट इंजॉय कीजिए, फिर उसका अंडर रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स में मैंने बाइक की हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करने की बताई, आपको हर एक जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, बाइक का हर एक पार्ट आपको दिखाने का प्रयास किया। अगर फिर भी बाई चांस कोई चीज़ रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के उसका कर लेते हैं अंडर रिव्यू, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप वैसे वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। तो वीडियो पूरा करते हैं, इससे पहले ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे मेन बात कर लेते हैं उस बाइक के मॉडल की। दोस्तों, वो है पल्सर 220। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 220 सीसी वाला बाइक है। और बात करते हैं उसके मॉडल की। दोस्तों, वो सन 2014 का मॉडल है, अक्टूबर सन 2014 का मॉडल है। बात करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशन RJ14 यानी राजस्थान जयपुर में ही रजिस्टर्ड है, तो जयपुर के निवासियों के लिए गाड़ी बेस्ट रहेगी। बाकी राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इसको आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जयपुर के अलावा दूसरे ज़िले से देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सबसे दोस्तों मेन बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की। तो दोस्तों बिल्कुल ट्रस्टेड, बिल्कुल सर्टिफाइड बाइक है, बिल्कुल कचरा नहीं है। ऐसे आप बहुत से लोग देखेंगे यार ये कचरा, मतलब बहुत 6 साल पुराने हुए तो कचरा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफाइड बाइक है। और अभी तो मात्र किलोमीटर में 30,000 किलोमीटर ही चली हुई है, ज़्यादा चली नहीं हुई, 30,000 के लगभग की वो अभी तक चली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है मीटर रिफ्रेश या रीसेट किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल मीटर यही है। और दोस्तों, सबसे मेन बात करते हैं इसके एड्रेस की कि अभी ये कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, जयपुर सिटी में ही ये अवेलेबल है। अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो आपको जयपुर आना पड़ेगा, और जयपुर के निवासियों को वैसे पता होगा एड्रेस। और आगे मैं जिस बाइक उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ इसकी प्राइस कितनी है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस 51,000 रुपये, ज़्यादा लग रही है ना, लेकिन ये प्राइस नेगोशिएशन प्राइस है दोस्तों, प्राइस फिक्स नहीं है। जो भी होगा, अगर आप डील लेते हो तो ऊपर नीचे कर लिया जाएगा। प्राइस बिल्कुल नेगोशिएशन प्राइस है, फिक्स नहीं है। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइस फिक्स है, आपको इतने पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको एक ज़रूरी बात मान लो, 51,000 रुपये नेगोशिएशन प्राइस है। और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, या तो आप चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से या जो भी आप सेकंड बाइक परचेस करना चाहते हो, ओएलएक्स वगैरह कहीं से भी, जो भी बंदा आपसे पहले पैसे मांगता है या आपको कुछ बहाना बनाता है कि मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ, मेरे सामने ये समस्या है, तो आपको उसको पहले ट्रांसफ़र नहीं करना है। 100% सर्टिफाई होने के बाद ही आप हर एक बंदे को पैसे ट्रांसफ़र करें, वरना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, हम उसमें आपके कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप फिर रिक्वेस्ट है, पैसा ट्रांसफ़र पहले किसी के पास भी मत करना, जब तक कि आप बाइक को खुद देख ना लो, खुद टेस्ट ड्राइव ना ले लो, तब तक मेरे खासकर मेरे वीडियो में तो आप मत ही करना पैसे ट्रांसफ़र किसी के पास भी पहले, जब तक आप बाइक को देख नहीं लो। हाँ, तो विशेषकर मैं मेरे बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मान लो आप मेरे वीडियो के माध्यम से किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वैसे मेरे वीडियो में 100% सर्टिफाई आते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी के साथ कुछ गलती हो जाए तो सब मेरे ऊपर आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है 100% सर्टिफाई होने के बाद ही पैसा ट्रांसफ़र करें। बाकी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, ऐसे कुछ मामला आता है, तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल है, वो आप वहाँ से जाकर मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आपकी कुछ मदद कर होगी जो मुझसे करी जाएगी। लेकिन आपसे फिर से अगेन रिक्वेस्ट है,
100% सर्टिफाई होने के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने पैसे किसी के पास ट्रांसफ़र करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये बाइक आपको अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी इस बाइक की डिटेल और जिनकी बाइक को उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, और बाकी आगे में वीडियो में भी जिनके बाइक को उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे होंगे, ये ही उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इनसे बात कीजिए बाइक के बारे में, क्या प्राइस जो भी है इनसे पूछ लेना, मतलब प्राइस नेगोशिएशन प्राइस है और कहाँ आना पड़ेगा ये सब आपको ये बता देंगे, और पैसे ट्रांसफ़र नहीं। ये मेरे डीलर है, लेकिन अगर ये भी आपसे पैसे पहले ट्रांसफर लेंगे तो आपको मैं साफ बोल रहा हूँ इनको भी आप पहले पैसे ट्रांसफर ना कीजिएगा, जब तक आप बाइक को 100% सर्टिफाइड ना हो जाओ, बाइक को देखने लाओ, टेस्ट ड्राइव ना कर लो। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में जिनकी बाइक में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आप बार बार कमेंट करते हो, वीडियो को तो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट करते हो। तो दोस्तों वीडियो में हम चैनल पर वापस एक्टिवेशन शुरू करेंगे, रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।